अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों को बताते चलूँ, आप लोगों की 10th क्लास की डेट शीट फाइनली आ चुकी है। और उससे पहले आप लोगों को कुछ हिदायत बताता चलूँ कि आप लोगों के जो इम्तिहानात होने हैं वो दो टाइम पे होने हैं। पहला जो होगा वो मॉर्निंग का होगा और दूसरा जो टाइम होगा वो इवनिंग होगा। मॉर्निंग की जो टाइमिंग होगी वो 8:30 से लेके ऑनवर्ड्स होगी और जो आप लोगों की इवनिंग की टाइमिंग होगी वो 1:30 बजे होगी। और जुम्मे वाले दिन जो इवनिंग के पेपर होंगे वो 2:30 बजे शुरू होंगे। और आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि अपने इम्तिहानी मरकज़ में आधा घंटा पहले पहुँचें। अगर आप लोगों का 1:30 बजे इम्तिहान है तो आपने कोशिश करनी कि आप 1 बजे पहुँचें, या अगर आपका 8:30 बजे इम्तिहान है तो आपने कोशिश करनी है कि आप लोग 8 बजे इम्तिहानी मरकज़ पहुँचें, ताकि आप लोग अपनी जो रोल नंबर, अपनी जगह है जहाँ पे आपने इम्तिहान देना है, जहाँ जो रूम है वहाँ पे आप जाके आराम से जाके भी बैठ सकें। और अब डिस्कस करते हैं आप लोगों की इम्तिहानी डेट शीट फाइनल वर्जन। आप लोगों का जो पहला इम्तिहान होना है वो 10 मई को होना है, मंगल को। जो मॉर्निंग में जो इम्तिहान होंगे उसमें अरबी है, बिजनेस स्टडीज़ है, लिबास और पर्चा बाफी है। और जो सेकंड टाइम पेपर होगा वो सिविक्स का होगा। फिर उसके साथ साथ 11 तारीख को अंग्रेज़ी का पेपर है और सेकंड टाइम भी अंग्रेज़ी का पेपर होना है। फिर अगला जो इम्तिहान होगा वो 12 को होगा, कंप्यूटर हार्डवेयर, एलिमेंट्स ऑफ होम इकोनॉमिक्स एंड इलेक्ट्रिकल वायरिंग। और जो सेकेंड टाइम पेपर होने हैं माहौलियाती मुताला, मिलिट्री साइंसेस, एलिमेंट्स ऑफ होम इकोनॉमिक्स। फिर उसके साथ साथ आप लोगों का जो अगला इम्तिहान होना है वो 13 मई को होना है, फारसी और जो मेट्रिकल एंड टेक्निकल ड्राइंग का। फिर उसके साथ साथ जो आप लोगों का जो सेकंड टाइम जो इम्तिहान होने हैं, आर्ट एंड मॉडल ड्राइंग, वर्ड रीडिंग, गज़ा और गज़ाइत, तारीख़ इस्लामिक, मुस्लिम ममालिक, ये वो इम्तिहान आते हैं जो आप लोगों के 13 तारीख को होने हैं। फिर आप लोगों का अगला जो इम्तिहान है वो 14 का होना है, जनरल रियाजी और रियाजी का, और सेकंड टाइम भी जनरल रियाजी और रियाजी के इम्तिहान होने हैं। फिर उसके साथ आप लोगों का जो अगला इम्तिहान है वो 16 को है, केमिस्ट्री या अल्टरनेटली जनरल साइंस का, और सेकंड टाइम भी केमिस्ट्री और जनरल साइंस का होना है। फिर उसके साथ आप लोगों का जो अगला इम्तिहान होना है वो 17 तारीख को पंजाबी का होना है। और उसके साथ साथ जो सेकंड टाइम है उसमें पंजाबी है, अंग्रेज़ी इख्तियारी है, उर्दू इख्तियारी है, और ये आप लोगों के इम्तिहान हैं जो होने हैं। फिर उसके साथ आप लोगों का 18 को बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस का इम्तिहान है, सेकंड टाइम भी यही जो स्कीम है वो फॉलो होगी। फिर उसके साथ साथ आप लोगों का जो अगला इम्तिहान है वो 19 को होना है, इस्लामियत लाजमी का और अल्टरनेटली अखलाकियात का, और सेकेंड टाइम भी यही जो है पैटर्न फॉलो करना है। फिर उसके साथ साथ आप लोगों का जो अगला इम्तिहान है वो 20 तारीख को है, माशियात का, इल्मो सनत का या माही परवी का। और उसके साथ साथ जो सेकंड टाइम जो होना है वो कमर्शियल ज्योग्राफिया या ड्रेस मैकेनिक एंड फैशन डिज़ाइनिंग का। फिर उसके साथ साथ आप लोगों का अगला जो इम्तिहान है वो 21 तारीख को होना है, फिज़िक्स का, एडवांसिक इस्लामिक स्टडीज़ का और अल्फ़क़ा का। और जो सेकेंड टाइम है उसमें भी फिज़िक्स एंड एडवांस इस्लामिक स्टडीज़। फिर उसके साथ साथ आप लोगों का जो अगला इम्तिहान है वो 23 तारीख को होना है, उर्दू लाजमी का, और जो सेकंड टाइम जो होना है उसमें उर्दू लाजमी के साथ साथ ज्योग्राफिया पाकिस्तान भी शामिल किया गया है। फिर उसके साथ साथ अगला इम्तिहान आप लोगों का होना है 24 को, एजुकेशन का, अल कुरान का, सेकेंड टाइम आप लोगों का इम्तिहान होना है तारीख़ पाकिस्तान और ब्यूटिशन का। फिर उसके साथ साथ आप लोगों का जो अगले लोगों का इम्तिहान है वो मुताला पाकिस्तान का 25 तारीख को है, और फर्स्ट और सेकेंड टाइम दोनों ये डेट्स में यही पेपर होना है। तो फाइनली आप लोगों तक डेट शीट पहुंच चुकी है, और अगर आप अभी से तैयारी पकड़ना शुरू कर देते हैं तो आप लोग अपने इम्तिहानात में अच्छी कारकर्दगी दिखा सकेंगे, और तैयारी भरपूर करें ताकि आप लोग हर इम्तिहान में अच्छी कारकर्दगी दिखा सकें और आप लोग जो हैं अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, अच्छे कॉलेज में दाखिला ले सकें।